समाज से, जैन युवा संगठन से आए हैं। मेरा नाम राजेश और ये मेरे दोस्त दिनेश जी हैं। देखो, जैन धर्म हमेशा से मानता रहा है अहिंसा परमो धर्म, और एक भगवान महावीर की ये वाणी थी कि जियो और जीने दो, खुद भी जियो औरों को भी जीने दो, और अमन और शांति से हम जिए। सब लोगों को अपना अपना धर्म और अपना अपने उसूल मानने का पूरा एहतियात है, कॉन्स्टिट्यूशन इसकी राइट देता है। और दूसरी बात यह है कि इकबाल साहब का बहुत अच्छा गाना भी मेरे को भी याद आ रहा है कि मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदू है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, तो हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। तो बेसिकली यही है कि अगर हम लोग सब सूझबूझ से और सोच समझ के काम लें, किसी को कोई एहतियात नहीं रखता कि किसी को भी किसी भी धर्म के ऊपर कुछ भी बोले। बिकॉज़ क्या हो जाता है, हर आदमी को अपनी धार्मिक भावनाएं उससे जुड़ी हुई है, और जब उस धार्मिक भावना को ठेस पहुंचती है तो फिर चीज़ों में मन में एक क्या बोलते हैं बोछाल हो जाता है, और वो बोछाल ही है जो एक अगली रूप ले सकता है। बैंगलोर में मैं कहता हूँ मानूंगा कि पिछले कई वर्षों से ऐसे ही कुछ वारदातें हुई नहीं, हुई है बैंगलोर में नहीं करके नहीं, 1986 में 2007 में, बट उसके बाद में ऐसी कोई वारदात हुई नहीं। ये इसलिए नहीं हुई क्योंकि सब लोग मिलके कोई भी चीज़ एक बवंडर बन जाए उससे पहले मिलके सूझबूझ करके उस चीज़ का मसला निकाले हैं, हल निकाले हैं, इसीलिए यहाँ पे शांति और अमन कायम है। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी हो और सारे मुल्क में भी सब लोग मिलजुल के रहें और आपस में बैठ के मसले को सुलझा के हर धर्म के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम तकलीफ़ कब आती है, जब मेरे को इनके धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं, इनको मेरे धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब एक बेसिक नॉलेज हमको रहती है ना, तो हम लोग ऐसी हरकतें नहीं करते। थैंक यू। थैंक यू। राम राम।